हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये 2020 का मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकले हैं। और ये सेलिब्रेशन हम बाबू के हिसाब से करने वाले हैं, उसे जो भी पसंद है हम वो यहाँ आज करने वाले हैं। तो उसका सबसे पहला काम यही है कि उसे पानी में पत्थर फेंकना पसंद है, तो हम लोग उस नहर के पास लाए हैं, यहाँ पर ये पत्थर फेंक रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्रेंड्स, हम लोग फिश एक्वेरियम इसलिए आए हैं क्योंकि बाबू को जेली फिश और स्टार फिश देखना है, पर वो फिश यहाँ नहीं है। तो जो भी थे यहाँ पे, हमने बाबू को घुमा दिया अच्छे से। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं सैर सपाटा में, क्योंकि ये फिश एक्वेरियम के पास ही था, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। और ये काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है स्पेशली फैमिली के संग आने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है खेलने कूदने के लिए, तो बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है इस जगह पर। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और अपना सारा दिन यहीं स्पेंड करने वाले हैं और खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी निकला है टनल, और टनल के बाद देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा लगा इस ट्रेन में ट्रैवल करके हम लोगों को। अगर आप कभी सैर सपाटा आते हैं तो इसमें ज़रूर घूमिएगा, और बहुत ही अच्छी जगह है, अपने बच्चों को एक बार तो ज़रूर लाए यहाँ पर। और दोस्तों, हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, अभी शाम होने पर आ गई है, पर बाबू की मस्ती बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो अभी हम थोड़ी देर और यहीं रुकने वाले हैं।
तो खेलने कूदने के बाद हमें लगी जम के भूख, तो हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में। यहाँ हम लोग अपना डिनर करने वाले हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।